रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अंबर्स व्लॉग यूके में आप सबका वेलकम है। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज ही माशाल्लाह मौसम भी बहुत प्यारा है और नाइस धूप है, सनशाइन है, तो मैंने सोचा कि चले आज ना बच्चों के लिए चटपट सी कोई रेसिपी रेडी करते हैं। ये जी मैंने ली है ड्रम स्टिक। अब इसकी मैंने जबरदस्त पिंचिंग के साथ, मैजिक वे के साथ मैंने लॉलीपॉप ड्रम स्टिक रेडी करनी है। ये मैंने एक रेडी करके रखी है और मैं बाकी आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसको कैसे रेडी करना है, कौन कौन से मसाले यूज़ करने हैं जिससे बच्चे जो भी वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हों, उनको स्पाइस भी ना लगे। और ये ड्रम स्टिक की हमारी ज़बरदस्त सी रेसिपी रेडी हमने करनी है मिलके। अब सबसे पहले हमने इसकी कटिंग करनी है, तो अब आप मेरे साथ देखें हम मिलके इसकी कटिंग कैसे करते हैं इसके, क्योंकि हमने प्यारे प्यारे फूल बनाने हैं, लॉलीपॉप की शेप लगे, लॉलीपॉप की फीलिंग लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, ये देखें हमने सबसे पहले इसको किनारों से कट करना है, जो वो हड्डी का जोड़ होता है ना, उधर से हमने नाइफ के साथ कट करना है। ये मैंने पीस स्किन वाले इसीलिए लिए हैं कि ये मुझसे इजीली, हमने इसको स्किन को पहले उतारना है, उसके बाद ये फिर ना इजीली नीचे जो चिकन है ना वो इजीली फिर पीछे की तरफ हो जाएगा, जैसे हम लॉलीपॉप शेप देंगे ना इस तरह। ये आप देख सकते हैं ऐसे, और अगर आप ये स्किन के बगैर लेंगे ना तो वो चिकन आपका टूट भी सकता है, तो मैंने ये स्किन के साथ इसलिए लिया है कि ये मेरे लिए इजी हो जाएगा ऐसे करना। अब आपने सीजर की मदद से इसको कटिंग करना है, इसके ये जो रेशेज है ना इनको ये सीजर की मदद से आपने कटिंग करना है ऐसे। ये देखिए, अब आपने इस स्किन को आराम से ऐसे उतार लेना है। अब फिर उसको आपने इस तरह बस थोड़ा सा एक तरफ से कट लगा ले ऐसे, थोड़ा सा बस। अब आपने इसको ऐसे करके ना पीछे की तरफ बस आराम आराम से कर लेना है। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन आप यकीन करें इतना टेस्टी इसका फ्लेवर बनता है और बच्चे इतना हैप्पी होते हैं। ये देखें जी, ये हमारी ऐसे। होती है आप उतार दें तो भी गुड है, ना भी उतारें तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसकी सबकी अब स्किन जो है वो उतार रही हूँ पीछे से,
उसकी जो लेट्स स्टार्ट द मसाला फॉर लॉलीपॉप ड्रम स्टिक्स। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट 2 चम्मच भर के। उसके बाद हम इसमें डालेंगे लेमन जूस 1, 2, 3, 4 स्पून 4 टेबल स्पून। उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे कश्मीरी चिली 1/2 टीस्पून, रेड चिली 1/2 टीस्पून, अजवाइन 1/4 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून एंड लिटिल फूड कलर, थोड़ा सा फूड कलर हम इसमें ऐड कर देंगे। नाइसली मिक्स। अब हमने इसको मिक्स कर देना है। Three, 1, 2, and 3 tables of oil. Nicely mix, okay? चले जी, हमने इसको नाइसली मिक्स कर लिया। सॉल्ट 1 tablespoon, then mix it. अब हम इसको हाथों से मिक्स कर लें अच्छी तरह। चलिए जी, अब हमने इसको नाइसली मसाले लगा दिए हैं जी। अब मैंने जी ये ले लिए हैं ब्रेड क्रम्स और ये मैंने अंडे लिए हैं 2 eggs, उसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो अब हमने सबसे पहले इसको ब्रेड क्रम्स में रखेंगे। थोड़ा सा इस पे हम नाइसली इसको अच्छी तरह से हम ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स को। ये बहुत ही डिलीशियस यमी रेसिपी है। ठीक है जी, अब हमने एक 1 time जस्ट स्पून ले लें। अब फिर अगेन हमने इसको इसमें कर देना है। ठीक है जी, नेक्स्ट भी हमने इसी तरह लेना है। जी हमारी ये रेडी है, अब हम इसको ऑयल में फ्राई करते हैं। करके डाल लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ये जरूर मेक श्योर करना है कि जो आपका ऑयल है वो गर्म हो, और उसके बाद जब फुल गर्म हो जाए तो उसकी आंच को आपने मीडियम पे रख देना है, क्योंकि हमारा चिकन थोड़ा सा पकना भी है।
निकाल लेते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें गरम है, तो ये हम इसकी मदद से निकालेंगे। ये देखें जी, ये बहुत ही यमी टेस्टी, बच्चों को हर दिल अजीज रेसिपी है। जो भी खाएगा वो यही कहेगा कि बहुत ही मज़े की, और हमें एक और दे दो। ये देखें माशाल्लाह, बिल्कुल KFC स्टाइल में बहुत प्यारी बनी है। ऐसे ही हमने अब दूसरी भी बना लेनी है। बहुत ही माशाल्लाह लॉलीपॉप ड्रमस्टिक मेरी बच्चों की ज़बरदस्त फ्लेवर के साथ ये रेडी है। ये KFC का फ्लेवर भी आपको जो है ना वो भुला देगी। ये जाइए आप सब ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको मेरी यमी सी रेसिपी कैसी लगी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह यमी सी रेसिपी के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। Bye.